नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बेगूसराय में उद्योगपति के घर ईडी और आयकर विभाग की छापेमारी। राज्य के इन 6 पुलों के डिजाइन की होगी जांच। पितृपक्ष मेला महासंगम 2023 की इस दिन होगी शुरुआत। शिक्षक नियुक्ति नियमावली को लेकर शिक्षक संघ ने पत्र लिखकर दी आंदोलन की चेतावनी। वीरेंद्र सहवाग ने कैप्टन कूल की उपाधि इस खिलाड़ी को सौंपी। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बेगूसराय में उद्योगपति के घर ईडी और आयकर विभाग की छापेमारी। बिहार के बेगूसराय के कृष्ण नगर मोहल्ले में स्थित उद्योगपति अजय कुमार सिंह उर्फ कारू सिंह के आवास पर आज सुबह 6 बजे से ईडी और आयकर विभाग की टीम के द्वारा छापेमारी की गई। मालूम हो कि उद्योगपति अध्यक्ष ललन सिंह के काफी करीबी माने जाते हैं। हालांकि छापेमारी को लेकर आधिकारिक तौर पर अब तक कोई सूचना नहीं दी गई है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि छापेमारी दल सुबह उनके घर पहुंच गई। वहीं गेट खुलने के बाद वह अंदर चले गए। उन्होंने बताया कि छापेमारी के लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स और अधिकारियों की टीम पहुंची है। मालूम हो कि अब तक पूरे मामले को लेकर खुलासा नहीं किया गया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि छापेमारी के बाद ही मामला सामने आएगा। वेतन कटौती को लेकर ISKK पाठक का आदेश। बीते दिन शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक के द्वारा निगम के कार्यों में हुई लापरवाही को देखते हुए अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए यह आदेश दिया गया है कि जून महीने से बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड यानी कि BSE IDC के सभी कर्मचारियों को केवल 90% वेतन दिए जाएंगे, यानी कि उनके वेतन में से 10% वेतन की कटौती कर दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगले शनिवार को एक बार फिर से एक समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। ऐसे में अगर इस समय तक हुई लापरवाही में सुधार नहीं किया जाता है तो अपेक्षित गति से काम नहीं करने वाले कर्मचारियों और पदाधिकारियों को कार्य मुक्त कर दिया जाएगा और साथ ही वेतन पैकेज को भी कम करने की कार्यवाही की जाएगी। सूबे के 23 में 16 जलाशय सूखे। बिहार के सभी 23 जलाशयों में 16 जलाशय ऐसे हैं जो पूरी तरह सूख चुके हैं। वहीं बाकी के बचे 7 जलाशय ऐसे हैं जहां उसकी क्षमता का 15-20% पानी भी नहीं है। मालूम हो कि इन सब जलाशयों में 3 जलाशय ऐसे हैं जहां 5% पानी भी नहीं है। बता दें कि सूख चुके इन जलाशयों का जलस्तर डेड स्टोरेज लेवल तक पहुंच चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह जानकारी जल संसाधन विभाग की ओर से जारी की गई रिपोर्ट से सामने आई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो 16 जलाशय सूखे हैं उनमें उड़नी, बेलहरना, जालाकुंड, आंजन, अमृती श्रीखंडी, गढ़ी, कैलाश घाटी, बासकुंड, मोड़वे, पुरैनी, चौब, ताराकोल, बटानी, बदुआ, नकटी और कोहिरा शामिल है। वहीं जिन 7 जलाशयों में 15-20% पानी भी नहीं बचा है उसमें नागी, कोल, महादेव, फुलवड़िया, चंदन, विलासी, खड़गपुर और दुर्गावती जलाशय शामिल है। राज्य के इन 6 पुलों के डिजाइन की होगी जांच। अगवानी घाट सुल्तानगंज निर्माणाधीन पुल स्ट्रक्चर गिरने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि अब राज्य में वे सभी पुल जिनका निर्माण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI के माध्यम से किया जा रहा, उनके डिजाइन स्टेज से ही तीसरे पक्ष में जांच होगी। बता दें कि यह निर्देश NHAI के पटना स्थित क्षेत्रीय पदाधिकारी के द्वारा सभी परियोजना निदेशकों को दे दिया गया है। मालूम हो कि यह जांच IIT या SERC चेन्नई के द्वारा की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस निर्देश के बाद राज्य के जिन पुलों का जांच होने वाला है उसमें पटना में महात्मा गांधी सेतु के समानांतर नया 4-लेन पुल, JP गंगा सेतु के समानांतर नया 6-लेन पुल, राजेंद्र सेतु के समानांतर नया 6-लेन पुल, गंगा नदी पर ओटा सिमरिया पुल और विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4-लेन पुल शामिल है। लेकिन मालूम हो कि इसमें विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4-लेन पुल का निर्माण NHAI के द्वारा नहीं किया जा रहा, लेकिन इसके डिजाइन को लेकर विवाद है। पितृपक्ष मेला महासंगम 2023 की इस दिन होगी शुरुआत। बिहार के गया में होने वाले पितृपक्ष मेला महासंगम 2023 को लेकर DM डॉक्टर त्यागराजन की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी को यह बताया गया कि इस मेले की शुरुआत 28 सितंबर से होने वाली है जो कि 14 अक्टूबर तक चलेगी। इसके साथ ही उन्होंने इसकी तैयारियों को लेकर कहा कि विभिन्न कोषांग बनाए गए हैं और इसके वरीय पदाधिकारी साप्ताहिक रूप से अपने कोषांग के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के साथ बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रियों को इस वर्ष अच्छा आवासन व्यवस्था उपलब्ध हो इसकी जिम्मेदारी आवास समिति की होगी। पर्याप्त संख्या में टॉयलेट और पेयजल की व्यवस्था के लिए आकलन कर ले और 15 जुलाई तक लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को प्रतिवेदन सौंप दे ताकि PHD विभाग की ओर से इसकी व्यवस्था की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने टेंट सिटी और चांदचौरा के पास नो व्हीकल जोन बनाने को कहा है। इसके अलावा उन्होंने बैठक में मौजूद अधिकारियों को और भी कई निर्देश दिए। पटना पहुंची महबूबा मुफ्ती, अभिनेताओं का होगा आगमन। कल होने वाले विपक्षी एकता की बैठक को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आमंत्रण पर बैठक में शामिल होने के लिए PDP नेता महबूबा मुफ्ती आज सुबह 10:30 बजे के बाद बिहार की राजधानी पटना पहुंच चुकी हैं।
बता दें कि आज शाम तक कई अन्य नेता भी पटना पहुंचने वाले हैं, जिनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नाम शामिल हैं। वहीं कुछ नेता ऐसे भी हैं जो कल बैठक से पहले पटना पहुंचने वाले हैं। बता दें कि भगवंत मान के साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह, राघव चड्ढा और दिल्ली के शिक्षा मंत्री आदिसी मार्नेला सिंह भी पटना पहुंचेंगी। वहीं पटना पहुंचने के बाद अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा भी जाएंगे। इसके अलावा अगर ममता बनर्जी की बात करें तो वो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए आज राबड़ी आवास भी जाने वाली हैं। शिक्षक नियुक्ति नियमावली को लेकर शिक्षक संघ ने पत्र लिखकर दी आंदोलन की चेतावनी। एक तरफ जहां बीपीएससी की ओर से नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत आवेदन लेने शुरू कर दिए गए, वहीं दूसरी ओर इसके विरुद्ध में शिक्षक संघ का नियमावली के खिलाफ विरोध जारी है। बता दें कि बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। मालूम हो कि जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि शिक्षा विभाग के द्वारा पहले से ही विद्यालय निरीक्षण के लिए प्रशिक्षित एवं सक्षम पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण की प्रक्रिया निर्धारित है। ऐसे में शिक्षा विभाग की ओर से इस तरह की फरमान जारी करना शिक्षकों के मन को ठेस पहुंचाने के बराबर है, जिसे संघ की ओर से कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस आदेश के कारण शिक्षक आंदोलित हो जाए, इसलिए इस फरमान को शिक्षा विभाग की ओर से वापस लिया जाए, नहीं तो संघ की ओर से इसका विरोध किया जाएगा। दरअसल विभाग के निर्देश के अनुसार सभी जिला में जिला शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा प्रत्येक विद्यालयों के निरीक्षण के लिए पदाधिकारियों और कर्मियों को जोड़ दिया गया है। शिवहर में बैंक से 20 लाख रुपए की हुई लूट। बिहार के शिवहर के पिपराही थाना क्षेत्र के अंबाकला गांव स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा से 6 की संख्या में अपाची से आए अपराधियों के द्वारा बैंक मैनेजर और अन्य बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर 20 लाख रुपए की लूट कर ली गई है। इसके साथ ही लूट के बाद अपराधियों के द्वारा भागते हुए फायरिंग भी की गई। वहीं लूट की घटना के बाद जब इस बात की सूचना स्थानीय थाना को दी गई तो जिले के एसपी अनंत कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और फिलहाल पूरे मामले की छानबीन चल रही है। मालूम हो कि अपराधियों के द्वारा इस लूट को अंजाम बैंक के मैनेजर और अन्य कर्मियों को बंधक बनाकर दिया गया है। निलंबित शिक्षकों और स्कूली खातों में उपलब्ध पैसे का शिक्षा विभाग ने मांगा हिसाब। बीते दिन बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा दो अलग अलग आदेश जारी कर जिला शिक्षा पदाधिकारियों से सरकारी स्कूलों के खातों की जानकारी और जिलावार निलंबित शिक्षकों की जानकारी की मांग की गई है। मालूम हो कि शिक्षा विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी विनीता के द्वारा यह जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को एक विशेष प्रपत्र के आधार पर भेजनी है, जिसमें शिक्षक का नाम, विद्यालय का नाम, शिक्षक नियोजित नियमिति, संक्षेप में आरोप का विवरण और निलंबन आदेश की तिथि की जानकारी होगी। सपा के पोस्टर से कांग्रेस नेता गायब। बिहार में विपक्षी दलों की बैठक को लेकर विपक्षी पार्टियां पटना पहुंचने लगी हैं। ऐसे में पूरा पटना पोस्टर से पट गया है, लेकिन सपा और आप के पोस्टर्स में कई नेता ऐसे हैं जिनकी तस्वीर गायब है। जैसे कि सपा के पोस्टर से कांग्रेस गायब, तो वहीं आप के पोस्टर से बाकी नेता गायब हैं। वहीं अब इसके जवाब में संजय सिंह के द्वारा इन सभी मुद्दों को बीजेपी का प्रोपेगेंडा बताया गया है। उन्होंने कहा कि यह सब बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, इसलिए उनके चक्कर में मत पड़िए। उन्होंने कहा कि इस मीटिंग में सबसे ज्यादा बीजेपी बौखलाई हुई है, उनके पेट में दर्द है, यही वजह है कि उनके नेता विपक्ष पर सवाल उठाने का काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी के लालू यादव से मिलने पर उपेंद्र कुशवाहा का रिएक्शन। विपक्षी एकता की बैठक से पहले आज पटना पहुंची ममता बनर्जी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से भी मिलने वाली है। वहीं लालू यादव से ममता बनर्जी के मिलने के मामले को लेकर रालोजित अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा इस पर अपना रिएक्शन देते हुए ट्वीट कर लिखा गया है कि सत्ताधारी दल से इतर देश के समक्ष कोई नया वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत किए बिना सिर्फ नकारात्मकता को आधार बनाकर बनाई गई विपक्षी एकता का हश्र मध्यावधि चुनाव के रूप में 1977 और 1989 में देश देख चुका है। एक बार फिर उसी तरह के घिसे पीटे प्रयोग के परिणाम से जनता वाकिफ है। मेरी समझ से ऐसे किसी प्रयोग पर जनता तभी भरोसा कर पाएगी जब नए और सकारात्मक वैकल्पिक मॉडल के साथ किसी बड़े दल के भरोसेमंद नेता के नेतृत्व को स्वीकार कर छोटे व क्षेत्रीय दल उनके साथ खड़े हो। शायद भविष्य में INC इंडिया इस रूप में अपने को खड़ा कर पाए। कांग्रेस के नेता को अभी और तपना होगा। फिलहाल अर्थात 2024 तो श्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष कोई चुनौती नहीं है। राहुल और खड़गे के स्वागत के लिए सदाकत आश्रम में स्वागत की तैयारी पूरी। 23 जून यानी कि कल बिहार की राजधानी पटना में होने वाले विपक्षी दलों की बैठक को लेकर कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कांग्रेस की टीम सुबह 10-15 बजे पटना पहुंच सकती है। ऐसे में इस दौरान राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन सबसे पहले सदाकत आश्रम जाने वाले हैं, जहां वह 40 मिनट गुजारने के बाद बैठक के लिए रवाना होंगे। इसको लेकर सदाकत आश्रम में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है।
मालूम हो कि उनके आगमन को लेकर सदाकत आश्रम का रंग रोगन भी किया गया है। वहीं आश्रम के अंदर पहुंचने के लिए नया पहुंच पथ बनाया गया है, पेड़ों की छटाई की गई है। इसके अलावा आश्रम के पीछे वाले हिस्से में शीर्ष नेताओं को संबोधित करने के लिए जर्मन हैंगर का निर्माण किया गया है, जहां राहुल गांधी और खड़गे 15,000 पार्टी नेताओं से करीब 40 मिनट तक बातचीत करेंगे। वीरेंद्र सहवाग ने कैप्टन कूल की उपाधि इस खिलाड़ी को सौंपी। हम सभी महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल के नाम से जानते हैं, लेकिन अब धोनी के पूर्व साथी और महान भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के द्वारा धोनी की इस उपाधि को किसी और खिलाड़ी को दे दिया गया है। बता दें कि वीरेंद्र सहवाग की ओर से ट्वीट कर लिखा गया है कि क्या टेस्ट मैच है, मैंने हाल के दिनों में जो बेस्ट मैच देखे हैं यह उनमें से एक टेस्ट क्रिकेट सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट है। इंग्लैंड द्वारा समाप्ति से ठीक पहले अपनी पारी को घोषित करने अहम फैसला था, खासकर मौसम को देखते हुए। ऐसे में ख्वाजा ने दोनों पारियों में शानदार प्रदर्शन किया और कप्तान कमिंस टेस्ट क्रिकेट में नए मिस्टर कूल है। दबाव में भी कमिंस ने बेहतरीन पारी खेली और लियोन के साथ कप्तान की यह पार्टनरशिप लंबे समय तक याद रखने वाली थी। मालूम हो कि वीरेंद्र सहवाग के द्वारा यह उपाधि पैट कमिंस को एजबेस्टन में इंग्लैंड के खिलाफ एसएस सीरीज 2023 के पहले टेस्ट में जबरदस्त हिट के बाद दिया गया है। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी गुरुवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.24 रुपए और डीजल 94.04 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 108.05 रुपए और डीजल 94.77 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.82 रुपए और डीजल 95.50 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल कीमत 107.98 रुपए और डीजल कीमत 94.71 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल कीमत 108.31 रुपए और डीजल कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.60 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.23 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने पंजाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, उमेश रिसदेव, रवि कुमार राम, कमलेश शर्मा, मुट्टू रंगीला, नुन्नू गोलू कुमार, बाबूलाल मरांडी, राजकिशोर महतो, अनवर करीम खान, सदुल्ला पलवी, प्रियंका कुमारी, महेंद्र कुमार, कन्हैया कुमार, कबीर आलम, कुंदन। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, पिछले कुछ दिनों से हुई बारिश से आपके क्षेत्र में गर्मी से राहत मिली है या नहीं। आपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।